आज के इस प्रातःकालीन सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त संगीत प्रेमी जन, मानव जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है कि परमात्मा की प्राप्ति, और इस मानव जीवन को पाप से निर्मल पवित्र रखना, इन दो कामों के लिए आपको ये मालिक ने शरीर दिया। जब तक आप संत महापुरुषों के करीब उनके शरण में उनके सत्संग वचनों में शामिल शरीर नहीं हो गए, तब तक आपको ये दोनों काम समझ में नहीं आएंगे कि हमको मालिक ने ये मानो अनमोल मंदिर क्यों दिया, और मानो अनमोल मंदिर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्माओं को अंदर क्यों बैठा रहा। ये दोनों चीजों की जानकारी आपको बिना संत सदगुरु के कोई नहीं दे सकता, न ऋषि न मुनि न योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियां न समाज सुधारक न ज्ञानी विज्ञानी, इनके पास ये इल्म ये ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन को सार्थक करें और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का कल्याण कर सके। ये केवल युक्ति इस कलयुग में, न सतयुग न त्रेता नंदा पर 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। आपको न तो शरीर के बारे में, न इंद्रियों के बारे में, न खान पान के बारे में, नंग संग सुबत के बारे में, न मतलब आपको अच्छे शुभ कर्मों के बारे में जानकारी दी गई, केवल किताबें पढ़ी जा रही। किताबों के सिवा करनी में कोई नहीं उतर रहा, और किताबें आपको महात्मा बना नहीं देंगी। किताबें जीवात्मा जगा नहीं देंगी। किताब पढ़ने से आप यानी मतलब सच्चे ईमानदार नहीं बन सकते। अगर ये सब होता तो कलयुग तो सबसे अच्छा युग है, क्योंकि इस युग के लिए तो 3-3 युगों का सच्चा अच्छा इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छे अच्छे शरीर वाले, अच्छे मन बुद्धि चित्त वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, ये तो सब जानकारी आपको दी वो ऋषि मुनि महात्माओं का संदेश, लेकिन आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ समझा ही नहीं, आपने अपने जीवन में कुछ उतारा ही नहीं, तो तीनों युगों का इतिहास पर कलंक लगा दिया। आखिरकार ये इतिहास क्यों लिखा? केवल मानव की सुख शांति के लिए, मानव को सच्चा अच्छा चरित्रवान ईमानदार बनाने के लिए ये सब लिखा पढ़ी की गई, और आपको शरीर इंद्रियों से शुभ कर्मों में लगाया गया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान करो। इससे क्या होगा कि आपका तन और मन शुद्ध होगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध होगी, आपका खान पान शुद्ध होगा, आपकी संग सोबत शुद्ध होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो तुम उन महात्माओं को पहचान लोगे जिन्होंने अपनी जीवात्माओं को जगाया और परमात्मा से मिलाया। ऐसी महान आत्माओं की पहचान के लिए कितने युगों से आपको ये शिक्षा दी जा रही, लेकिन इस पर किसी ने गौर किया ही नहीं। तुम शरीर इंद्रियों से करते रहे, लेकिन विचार करके नहीं किया। यहाँ शराब भी पीते हैं, पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, भागवत पुराण पुराण उसको भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये तो आप सीधा अपमान कर रहे हो। धर्म शास्त्रों का अपमान, धार्मिक व्यवस्था का अपमान, धार्मिक स्थलों का अपमान, और मतलब जब करोगे तो कितनी बड़ी सजा उस धर्म के की तरफ से कुदरत देगी, किसी को होश हवास नहीं है। एकदम सब मदन का बंद हो गए, समझ में कुछ नहीं आया, क्या करना है, क्या देखना, क्या सुनना,
किसी की समझ में कुछ आता ही नहीं, क्योंकि जब तक वो समझदार जिन्होंने समझा, जिन्होंने चेत जागकर अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, जब तक वो संग सदगुरु आपको नहीं मिलेंगे, ना तो शरीर का ज्ञान ना आत्मा का ज्ञान, किसी तरफ का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। किताबें थोड़ी ज्ञान गिरा देंगे, किताबें हाथ पकड़ के चलाएंगी नहीं, किताबें जीवात्मा को नहीं जगाएंगी, किताबें जबरदस्ती शुभ कर्म तुमको पकड़ के नहीं कराएंगी। होता जब तक कोई कराने वाला संत महापुरुष नहीं मिलेगा, तब तक ये काम अब आपका कोई नहीं कर सकता। कलयुग के जियो बड़ी समझदारी से चलना है, बड़ी समझदारी से काम करना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मुस्तकिल मुकाम नहीं है। जैसे तुम अज्ञानता भूल ब्रह्म में कहते हो घर हमारा, मकान हमारा, जमीन हमारी, दुकान हमारा, दफ्तर हमारा, पति हमारा, पत्नी हमारी, बाल बच्चे हमारे, सब झूठा है, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। अगर तुम्हारा होता तुम्हारे साथ आता, या तुम उसको साथ लेके आते। जब बच्चा पैदा होता है यही आने की स्थिति, बिल्कुल नंगा और अकेला, कपड़े भी लेके आप नहीं आ, मकान दुकान और जमीन अत्तर की बात छोड़ दो, आप तो कपड़ा भी लेके नहीं आए, नंगे आए, और किसी के साथ लेके नहीं आए, न पत्नी न पति न बाल बच्चे न भाई बहन बिरादर न कोई सामान, आप लेके कुछ नहीं आए। इसीलिए जब यहाँ से चलोगे तब बिल्कुल खाली करके जाना, क्योंकि जब आप लाए नहीं तो ले कैसे जा सकते। और ये विधान कितना पुराना है, अपने सामने अपने परिवार और गांव मोहल्ले शहर कदमों में रोज देखते हो कितने लोग रोज जा रहे हैं और खाली जा रहे हैं, सब यही छोड़ गए, कुछ नहीं ले गए, तो क्या तुम कुछ लेके जाओगे? अरे उन्हीं से तुम्हें समझ लेना चाहिए, जब हमारे पूर्वज हमारे पहले जो रोज आंख के सामने जा रहे हैं, जब ये खाली जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे लेके जाए? जब कुछ नहीं ले जाना है तो इस कुछ के चक्कर में सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? इस कुछ के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ रहे हो और कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो समझोगे जब जिन्होंने कुछ और सब कुछ दोनों को समझ लिया और समझ करके एकदम खाली बैठे, बिल्कुल खाली, कोई लोभ कोई मोह कोई लालच किंचित मात्र उनके दिल में नहीं है, और करते सब सब करते हैं, अपना कर लिया तुम्हारा भी करते, और तुम्हारा करने के लिए सब कुछ लिए बैठे कि किसी तरह से तुम्हारा काम हो जाए, मतलब यानी काम के लिए सब कुछ पकड़े बैठे कि तुम्हारा कुछ काम हो जाए। कुछ और सब कुछ को समझना ही सच्चा ज्ञान है, ना आप कुछ समझ पाए ना सब कुछ समझ पाए, तो फिर करोगे कैसे? बिना समझे कोई काम करता है तो ना तो सफलता पाता ना कोई लाभ उठा पाता। और यहाँ तुम जो कुछ कर रहे हो बिना समझे कर, जब समझदार जिन्होंने समझ लिया, अपने मन बुद्धि चित्त को समझा लिया और जीवात्मा को जगा लिया, ये समझदार जब मिलेंगे तब आपको सच्ची समझदारी दे देंगे। इधर भौतिक आध्यात्मिक लौकिक पारलौकिक जिस्मानी नूरानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये दोनों तरफ की जानकारी आपको दे देंगे जब वो जानकार मिलेगा। इन दोनों तरफ के जानकार को कहते हैं संत सदगुरु, वो मिलेगा तब आपका ये काम होगा। और तुमको तो बिना बुलाए आगे बिना ढूंढे खोजे मिल गए, और बिना मांगे आपको मुलक दौलत प्रभु प्राप्ति का रास्ता जिसे नामदान के तो आपको दे दी, लेकिन आपने न देने वालों को समझा न देने वाले की युक्ति को समझा। आखिरकार क्यों आए हैं, इतनी बड़ी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं, क्यों तुमको बिना मांगे अमूलक धन नामदान प्रभु प्राप्ति का रास्ता क्यों दे दिया? कभी आपने इस पर बैठ के विचार ही नहीं। विचार करो जब कुविचार निकल जाए, इतने कुविचार अंदर भरे बैठे हो,
तेवस्व विचार महात्माओं का तुम्हारे अंदर ठहरता नहीं, इसलिए करनी पड़ते हम तो करनी ही तुम्हारी साथ जाएगी। ये कथनी और बकरी और सुननी ये साथ जाएगी। इसलिए जो जब संत सतगुरु कलयुग में पधारे उन्होंने एक ही रास्ता रखा और उस पर जोर दिया कि करनी करो, मार मंडारो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम की फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना मन बुद्धि चित इंद्रियों से ये आपको करना है। अब तुम्हें यही नहीं मानो कि मन बुद्धि चित और इंद्रियां क्या है, शरीर क्या है, किस काम के लिए मिला, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा खान पान नहीं करना चाहिए। जब इसमें ईंधन कर डालो, जैसे पेट्रोल की मशीन में अगर डीजल डाल दो तो खराब हो जाएगी। तुम ये समझो तेल तो ये भी है लेकिन तेल है लेकिन उसका ये ईंधन नहीं है। इतने मानव शरीर का ईंधन क्या है, खुराक क्या है, भोजन क्या है, अभी तक आप उसको नहीं समझ पाए और कोई भी नहीं समझ पाए। इसी समझ में आया ही नहीं, जो समझा चाह खा लिया, जो देखना चाह देख लिया, सुनना चाह सुन लिया और करना चाह कर लिया, लेकिन शुभ अशुभ पर आपने विचार नहीं किया। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन झूठ है, कौन सत्य है, कौन असल है, कौन नकल है, ये कौन पाप है, कौन पुण्य, आपने कुछ विचार नहीं किया। इसीलिए तो ये सब कर्मों का विधान खराब हो गया। विधान खराब हो तो दंडित किए जाओगे। अगर यहाँ मानवीय विधान मानव समाज को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए जो मानवीय विधान बना, अगर इसके बरखिलाफ आप काम करो तो सजा पा जाती, लेकिन ईश्वरीय विधान के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। किसी की समझ नहीं आता कि ईश्वरीय विधान क्या। अरे मानवीय विधान में तो तुम इधर उधर भी कर सकते हो, घूस रिश्वत दे के तुम इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ईश्वरीय विधान अपनी जगह भद्र और मजबूत है। वहां कोई तुम्हारी चटाई चलन कहीं चलने वाली नहीं और ईश्वरीय विधान तुम्हारे पर लागू है। तो पहले मानवीय विधान को समझो, शारीरिक विधान, इंद्रियों के विधान, मन बुद्धि चित्त के विधान को समझ लो। इसके बाद संत महापुरुष में जाएंगे तो जीवात्मा के विधान बता देंगे जो सर्वोपरि है। असली चीज तो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा निकल जाए ये शरीर जिंदा रख सकते हो, एक मिनट भी जिंदा नहीं है और ये सब खत्म तुम्हारा। जिसके लिए, जिस शरीर के लिए दुकान मकान जमीन दफ्तर पत पत्नी बाल बच्चे धन दौलत जो इकट्ठा किया, अगर जीवात्मा निकल जाए सब बेकार, ये सब एकदम बेकार। अरे भाई शरीर के साधन और शरीर के सामान जब भी आप प्रयोग कर सकते हो जब चेतन जीवात्मा रहेगी मौजूद, जिसके निकलने के बाद सब बेकार हो जाता। वो जीवात्मा के बारे में कभी आपने जानकारी की है या किसी ने जानकारी आपको दी, सब शरीर के चक्कर में दौड़े घूम रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये इकट्ठा कर ले ये इकट्ठा, ये ले ले वो, इसका छीन ले इसका झपट ले, इसकी चोरी, इसकी डकैती, इसका कत्ल, इसका छल कपट, बीमारी बेईमानी, मतलब अब इसके लिए जिसके लिए सब कर रहे हो वो शरीर ही तुम्हारा नहीं। जब तुम्हारा नहीं तो किसके लिए कर, शरीर भी चला जाएगा और जो शरीर के लिए गुना और पाप की उसकी सजा आपको मिल जाए। यही अगर कर्मों का विधान समझ में आ जाए, कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार, ये दो ही चीजें तो मुख्य है। और ये कौन समझाएगा, जिसने समझकर इनसे अलग हो गया वो आपको बता देगा। कहने का मतलब है तभी कहा भाई जानकारी ऐसे नहीं करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, करो सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। ये पढ़ा जाता सुना जाता करने के लिए,
अगर करने में लग जाते सब लोग तो ये मुसीबत आपत्ति दुख तकलीफ कुछ नहीं, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े कुछ नहीं, दैवी प्रकोप दुर्घटनाएं अकाल मौत ये भी खत्म थी। लेकिन आपने किया कुछ, लोग किताबें पढ़े पढ़ के रख दिया, बात के सुना दिया रख दिया, ना बांटने वाला कर रहा ना सुनने वाला कर रहा, दोनों मतलब। तभी तो लिखा अंधा गुरु और बहरा चेला, तब हो नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु अंधा है, आंख खुली नहीं, कान खुला नहीं, कुछ देखा सुना है नहीं, अनुभव किया नहीं, करने में उतारा नहीं, ऐसा अंधा गुरु तुम्हें रास्ता कैसे बताएगा? तुमको तो कोई जानकार चाहिए जिसकी जीवात्मा की दिव्य आंख और दिव्य कान नाक सब खुला हो, और वो इधर ऊपर और नीचे इधर उधर और सब तरफ देखता है और देख के समझता है और समझ करके फिर लोगों को समझाता है। आपको तो ऐसा चाहिए, कोई जागा हुआ सोया हुआ आपको जगा सकता? अरे 1 लाख आदमी सोए हूं तो संख्या बेकार है, ये लंबी संख्या बेकार। अगर 1 जगह हुआ हो तो 1 लाख को जगा देगा। बात तो जागने वाले की, और जागे मतलब जिसको होश हो गया हो, इधर क्या है उधर क्या, इधर सच्चा की उधर सच्चा, इधर हमारा की उधर हमारा, इधर हमारा बनाने वाला की उधर बनाने वाला, इधर असली की उधर असली, इधर नकली की उधर, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और ये जानकारी सत्संग ही देकर कोई नहीं, किसी के वचनों में ये नहीं, ऋषियों के मुनियों के योगियों को महर्षियों के ब्रह्मचारियों के अवतारी शक्तियों के ज्ञानी विज्ञानियों के समाज सुधारकों के कितने वचन सुन लो आप, लेकिन जीवात्मा नहीं जट सकते। जीवात्मा संतों के शब्द ज्ञान दिव्य ज्ञान से जटती है, और ये सब अक्षर विद्या है, और अक्षर अक्षर नीचर के पार बैठा है, तो मतलब यानी सत्य की जानकारी करने वाला यानी अक्षर नियक्षर अक्षरातीत हो गया, उधर बैठा हुआ इन सबसे परे निकल गया, वो आपको परे ले जाएगा और परे का ज्ञान करा देगा और उधर की सब चीज आपको मिला दिला देगा। लेकिन इसी प्रकार वही खोज करो गुरु को ही खोज करो भाई, बिन गुर्राह कोई नहीं पाई, ऐसे सुमरस सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबानी रोज आने जाने वाला हो, वो तुमको पहुंचा भी देगा और तुम्हारा इधर का काम भी बना देगा, छुड़ाएगा कुछ नहीं लेकिन पकड़ने भी नहीं देगा, आपका छुड़ाएगा नहीं। देखो संत महापुरुष है, न स्त्री छुड़ाई न पति छुड़ाया, न बच्चे छुड़ाए, न खेती दुकान न दफ्तर, कुछ नहीं बंद कराया, केवल ये कहा ये तुम्हारा नहीं, इसको पकड़ो मत, प्रयोग में ले आओ, प्रयोग कर लो, और प्रयोग इसलिए कि तुम्हारा इनके साथ कर्म कर्जे का लेन देन है, देर से पूरा कर, इसे पूरा कर लो, होश में फंसने की जरूरत नहीं, निकलने के लिए पूरा कर, तुम फंसने के लिए लगे, इतनी बात तुम नहीं समझ पाते हो, ये सब फंसने के लिए दिया है कि इनसे धीरज से कर्म कर जा निपटाओ और निकलने की कोशिश करो। बात तो समझ में आई नहीं किसी की, क्योंकि आपने कभी संतों को देखा नहीं, संतों की पहचान निरख परख आपको है नहीं, संतों का सत्य ज्ञान मालूम नहीं है, वो किस लिए मानव चोले में आए और इस धरती पर क्यों आए, उनके आने का मतलब क्या है और किस काम के लिए आए और किधर के लिए ले जाने के लिए मतलब समझाने के लिए आए, कुछ भी तो आपको नहीं मालूम। का नित्य सत्संग, जब रोज सत्संग करोगे, सुनते सुनते तो बहुत जीवन निकल गया था, सुनाने वाला सुनाते सुनाते रह गया और सुनते वाले सुनते सुनते रह गए, न सुनाने वाले ने अपना काम जाना न किया न सुनने वालों ने। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा गुर अंध बधिर कर रेखा, एक नहीं सुनी एक नहीं देखा, कांधा गुरु और बहरा चेला की बात क्या है, एक ने देखा नहीं तो दूसरों को दिखा कैसे पाए, जब उसने अंदर की आवाज
ऊपर की आवाज सुनी नहीं तो सुना कैसे देगा। ये तो जिसने देखा और जिसने सुना और जिसकी जीवात्मा का दिव्य कान खुल गया, जब वो मिल जाएंगे तुम्हारा भी खुल। इसलिए जब संत आए तो उन्होंने सारा रास्ता एकदम साफ कर दिया, कोई किसी तरह का भूल भ्रम संदेह शंका रखा ही नहीं। इन गोस्वामी जी महाराज भी आए 550 वर्ष, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। क्यों लिखा, क्या जरूरत थी उनका? अरे अपना काम उन्होंने चले जाते, लेकिन नहीं, वो जीवों के हमदर्द हैं कि मैं तो मेरा शरीर पूरा हो गया लेकिन शरीर में जो जीवात्माएं आएंगी उनके लिए मैं कल्याण का रास्ता निकल देता, कल्याण का रास्ता। कि ये जीवात्मा तेरा कल्याण कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, करने वाले कौन होंगे और कब आएंगे, कैसी स्थित परिस्थिति में आएंगे, कैसे काल और देश में आएंगे, ये सब उन्होंने लिख दिया। उत्तरकांड यही सबसे महत्वपूर्ण है और ये कोई नहीं पढ़ता। इसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान है। ऐसा ही उत्तरकांड लिख दिया, तो दिया लेकिन समझने तो किसी के नहीं है, क्योंकि लिखने वाला कौन था और समझने वाले कौन। लिखने वाला सत ज्ञानी था और बचने पढ़ने वाले अक्षर ज्ञानी, कैसे समझने की, कैसे इनकी समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी बीमारी कौन खत्म करेगा, जैसे शरीर के दो आंख दो कान नाक के दरवाजे अगर बंद हो जाए तो आपको दिखाई से ना देगा, शरीर की आंखें कान बंद है कुछ दिखाई सुना नहीं थी, तो आप कहते हो कि चलो कोई ना कोई वैद्य डॉक्टर हकीम की तलाश करें। जब वो जानकार मिल जाएगा, जिसको जानकारी है, जिसने कभी ऐसा काम किया, वो तो आपको करा देगा। तो कहा यहाँ संसार में सांसारिक ज्ञान वाला ये काम आत्मज्ञान न दे सकता न आत्मा का काम कर सकता। इसलिए उन्होंने परिचय दिया, जब जीवात्मा के यहाँ कान ना खोलने वाले यहाँ पर संत सतगुरु कोई आ जाए तो आप उनके करीब जाना, उनको ये अधिकार है कि ये दिव्य आँख कान खुलेगी कैसे। ये तो आँख कान आपके खुले तो बाहर देख रहे, लेकिन अंदर जीवात्मा बैठी है उसमें भी एक आँख कान, जब वो खुलेगा या खोलने वाले मिल जाएंगे, उन खोलने वालों की युक्ति पर आपको विश्वास हो जाएगा, उनसे प्रेम श्रद्धा सेवा भाव पैदा हो जाएगा, तो वो तुम्हारा काम धीरे से करते। वो कोई मान सम्मान सामान नहीं लेते, इसके आंख कान खोलने के बदले कोई रुपया पैसा धन दौलत नहीं लेते, क्योंकि उसी काम के लिए आए ही है उनका एक। तब उन्होंने कहा कौन आएगा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय की आशा। कितना साफ लिख दिया कि सतगुरु रूपी वैद्य जब मिल जाएगा और उनके वचनों पर उन पर आपको विश्वास और दृढ़ता के साथ प्रेम हो जाएगा, और संयम ये है कि विषय वासनाओं की आशा न जाए। ये परहेज है, परहेज है विषय वासनाओं की आशा छोड़कर, किसी शारीरिक मानसिक स्वार्थिक लाभ की इच्छा न रखकर जब उनके पास जाओगे तो तुम्हारा ये आध्यात्मिक कार्य कर देंगे। लेकिन यहां भी आता तो स्वार्थी सवाल है, रोज यही ये बीमारी वो तकलीफ, लेकिन जब बताया जाए बीमारी आई कैसे, तुम बीमारी आने वाला रास्ता क्यों नहीं बंद कर देते। लेकिन वह बंद कर, वो रास्ता कौन है, भोग, भोग रोग बन के निकले, भोग से रोगों का जन्म होता है, और जब तक भोग नहीं बंद रोग कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकता। अरे तुम रोग की दवा देते हो, भोग की दवा क्यों नहीं देते, अगर एक काम ही नहीं करे तो ये काम क्यों। अरे भाई अगर आप ये काम बंद करते हैं तो ये रोगी बीमारी कुछ नहीं आए, जब रोग भोग करोगे शरीर की शक्ति नष्ट होती, कमजोर हो जाएगा, कमजोरी में सब तुमको दबाते
बाहर में कमजोर हो जाओ, सामान्य थोड़े धमकाएंगे। ऐसे अंदर में भोग करके तुम कमजोर हो गए और मतलब सब सारे रोगों ने तुमको घेर लिया। अब तुम एक रोग हो तो दवा तो यहाँ भाई तो डॉक्टर रोग की दवा से सकता है, भोग की दवा नहीं इनके पास। ये परहेज है भोग, अगर भोगों से तिरंजी ले लो थोड़ा हट जाओ और हट के देख लो, अनुभव कर लो, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे पास बीमारी क्यों आई है। बीमारी हमने बुलाई है कि अपने आप आई है, इस पर आपको विचार करना ही होगा। तो बिना सत्संग के रोग भोग कुछ समझ में आपको नहीं, क्योंकि ये रोग और भोग किसी किताबों में है। ये जितनी किताबें जो लिखी ऋषियों मुनियों ने, उसमें रोग और भोग की बीमारी दूर करने की दवा नहीं है। वो तो इसीलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, रोग और भोग जिसके कारण आंतरिक शक्ति आंतरिक ताकत आपने बर्बाद कर रखी है और पानी की तरह नाली में तुमने शक्ति को बहा दिया, अब उसी लिए रो रहे चिल्ला रहे हो, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, मतलब यानी ये हो गया वो हो गया। जब आपको बात बताई जब समझ में नहीं आती, तो कहा यह बीमारी ठीक कौन करेगा। कितना स्पष्ट प्रमाण दिया है कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। जब सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाएगा और वो तुमको उनके वचनों पर और उन पर जब विश्वास कर लोगे, और परहेज ये है कि भोग वासनों से अलग हो जाए, तो तुम्हारा ये सब काम करते। तुम्हें कुछ देना नहीं है, तुम्हें देना है। और जब देने वाला आया और तुमने उसको समझ नहीं पाया, जो तुमसे किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रखता, कोई सामान की धन की दौलत की रुपए की पैसे की कोई इच्छा नहीं, क्या ऐसा कोई समृद्ध तुम्हारी दृष्टि में है? या तो सब लेने वाले जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऋषि मुनियों ने किया, तपस्या किया, त्याग किया, संयम किया, परिश्रम किया, और जीवों को सामाजिक ज्ञान मतलब शारीरिक ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान तो सब लिख गए और लिख के रख दिया। जिन्होंने लिखा उन्होंने एक पैसा नहीं, ये बांचने वाले सुनाने वाले सारा देश ही लूटे ले रहे। बात ही समझ नहीं किसी की आ रही कि लिखा किसने, मेहनत किसकी, परिश्रम किसका, त्याग किसका, संयम किसका, और ये लाभ कौन लूट रहा। इतनी चीज आपको समझ में तमाम वर्षों के वचनों करना हो, इतना रोगे इतने आंसू गिराओगे ना कोई सुनने वाला आंसू पोछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी बनी पड़ी होगी, अपनी मुसीबत का, अपनी बीमारी, अपने कष्टों का सबको दर्द हो जाएगा। तो ये एक जनी बीमार बीमार को कैसे ठीक करेगा, दर्द हो रहा हो दूसरे के दर्द को कैसे हरेगा। आपको तो ये सब विचार करना चाहिए। तो कहा ये शारीरिक और आत्मिक दोनों तरफ का काम यहां करने कौन आएगा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि करण धार सतगुरु त्रहे नावा और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, का उनका ये शारीरिक और आत्मिक दोनों काम हो जाए, शरीर भी सफल और आत्मा भी सफल। ये दोनों काम का इशारा किया कि वो करेगा और कोई नहीं करेगा। कितना साफ परिचय, जिससे कलयुग का जीव कहीं उलझ न जाए, कहीं फंस न जाए, कोई लोभी लालची इनको फांस न ले, मतलब यानी सच्चाई से अलग न कर दे। तो इसीलिए तो लिखा पड़ेगी तुम्हारे घर में रखी रामचेत, लेकिन वो भी मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाए, गाने बजाने के रूप में, भाषण प्रचन के रूप में, करनी के रूप में कोई नहीं पढ़ रहा। अरे तो ये तो शब्द है, ये ज्ञान है, बगैर करके तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा। तो सारा जो गंदा हो गया, सारा संसार की आंख आत्मा की आंख, आत्मा के काम सब खराब हो गए, तभी तो अंधा बहरा हो गया उधर की तरफ।
और जब तक कोई आंख कान का जानकार संत सदगुरु नहीं आएगा, वो आंख आंतरिक आत्मा के आंख और कान कान ना खराब, उसकी दवा उन्हीं के पास और यहां किसी के पास। वो दवा क्या है? नाम की युक्ति। ये नामदान सबकी दवा है, और तुम नामदान को समझ नहीं पाए। कितने लोगों को दिया? 45 करोड़। वो एक ने भी नहीं सकते। 45 करोड़ जीवों को दिया गया ये अमूलक धन, लेकिन समझ में किसी के नहीं है। ये नामदान का मतलब क्या है? क्यों मां के दिया? क्यों उसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि यहां तो समत्व रही पूजा पाठ में पड़े, लेकिन नामदार क्यों किया? अगर पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप या गंगा स्नान से अगर किसी का काम हो गया होता, तो संत महापुरुषों को ये नाम की युक्ति देने की क्या जरूरत थी? लेकिन बातें नहीं समझ में आई। जुटा पड़ा है, जुटा पड़ा, भागा जा रहा, दौड़ा जा रहा, ये भी नहीं देख रहा कहां जा रहे हैं, और जा रहे हैं वहां कुछ मिलेगा कि नहीं, वहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा। दौड़ के गए तो पत्थर के सामने खड़े हो गए। हाँ जी, बिना पत्थर क्या देगा? क्या पत्थर बोलेगा? क्या पत्थर समझाएगा? क्या पत्थर कोई युक्ति कोई समाधान करेगा? अरे भाई, जड़ और चेतन में कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा, भाई जड़ पूजा करते करते तुमको मिला क्या? आदमी अगर आदमी के पास जाता तो कुछ सुनता नहीं, कुछ बताता भी है। कहा चेतन चेतन के पास जाएगा, अगर जिंदा मुर्दा के पास बैठ जाए। कहते नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत बड़े रहे हैं, बहुत बड़े ये रहे। अरे रहे हैं, लेकिन है कहाँ? जो रहा था वो तो निकल गया। अब ये शरीर पड़ा है, ये तो पंचवती शरीर है, ये पांचों तत्व अपने अपने मिल गए, खत्म हो गया। वो बात समझ में अभी तक किसी के नहीं है। जब तुम शरीरों को नहीं समझ पाए तो शरीर में वो चेतन रूप आत्मा को कैसे समझो? और महापुरुष दोनों चीजों समझो नहीं। शरीर को समझ लो, विषय भोगों से अलग रख कर थोड़ा सा आत्मा की कमाई कर लो, तो तुम्हारा जो शेष जीवन बचा है ये तुम्हारे काम आ जाए। तो बहुत बड़ी, यानी जो गया सो गया, जो समय निकल गया शरीर मतलब, यानी पूंजी निकल गई, ताकत निकल गई, चलो गई सो गई, और रही सो संभालो। जो शेष बच के उसी को संभालो, उसी में काम करने के लिए कह रहे मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। अगर तुम अभी मुड़ जाओ और घूम जाओ और विषयों से तेरा जी ले लो और नाम की कमाई में लग जाओ, तो तुम्हारा से थोड़े जीवन में भी काम हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मापुनियों गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, सज्जनों की संगत से कोट अपराध करोड़ों पाप तुम्हारे खत्म हो सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा सत्संग बच्चों की है, और तुम सुनते रहे वो सुनाते रहे, न तुमने कुछ किया न कुछ पाया। तो ये सुनने का कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं। सत्संग जो सुनो, ये तुम्हारी करने के लिए इशारा हो रहा कि अब करो, अब करो, अब शुरू कर दो, अब शुरू कर दो। जीवन जा रहा, ये रात और दिन और सुबह और शाम में ये जीवन तुम्हारा जा रहा है, और इसे तुम रोक नहीं सकते। जैसे ट्रेन जा रही है, आप रोक नहीं सकते। अगर स्टेशन पर बैठ लो तो काम हो जाएगा। अगर स्टेशन पर बैठ लो, जा करके उस पर बैठ लो, तो तुम्हारे स्थान को पहुंचा देगी, रोक नहीं सकते। ऐसे ये जीवन को आप रोक नहीं सकते। वो तो जा रहा सुबह शाम, तुम यही गिनती करते हो, आज ये दिन है कल वो दिन है। अरे न दिन है न रात, और न सुबह न शाम, केवल तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा। श्वासों की पूंजी तुम्हारी सब जा रही है, और तुम अभी नहीं जागे। यहाँ भी है तो यहाँ भी नहीं जागे, यहाँ भी जो बताया जा रहा तुम्हारी समझ नहीं आ रहा। तो कहा चलो इनको बताओ, सुनाओ समझाओ, नहीं इनकी समझ में नहीं आया, चलो सीधे इनसे कराओ, तो तुमको करनी मिल जाती। कहा कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी उठाओ, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी शोधित है। ये 88,000 ऋषियों की शोधित भूमि है, और उस शोधित भूमि पर
तुम्हारे जीवात्मा का काम करने वाला कोई आ गया, वो तुम अपना काम बना लो धीरे से। मुख्य माए कौन है क्या, इसके चक्कर मत रहो, अपना काम बना लो सीधे। डॉक्टर के यहाँ जाते हो उसकी जात बिरादरी पूछते हो कि पढ़ाई लिखाई पूछते कि घर द्वार उसका, कि बच्चे कितने, बीवी कैसे, केवल अपने मंच की दवा ले आओ चलती और ठीक हो गए कहते भगवान, उसी डॉक्टर को भगवान कहते ठीक हो जाता। तो ये जात पात सब ये लिए घूम रहे वाले संतो दरबार में कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। कहते हैं जाति न पूछो कि साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ी रहे दो म्यान। जैसे तलवार की म्यान जिसमें रहती है वो भी तो चमड़े की होती, उस चमड़े की म्यान से मतलब नहीं है तलवार से मतलब, और तलवार से भी मतलब नहीं तलवार की धार से मतलब। धार माने ज्ञान, ज्ञान काट देगा ज्ञान को, ज्ञान काट देगा अंधकार को, ज्ञान काट देगा पाप को। ये तो इतनी बड़ी धार आपको मिली है नाम रूपी और तलवार की, लेकिन बात यह है कि तुमने समझा कुछ नहीं, समझ में आपके आया नहीं, तो यहां तुमसे कराया जा रहा कि सुबह उठो घंटा संघ की आवाज दो इनको, घंटा संघ आवाज निरंजन की, जिस देश में रह रहे हो जिसके काल भगवान का देश है उसी की आवाज सुना के आपको जगाया जा रहा कि उसके देश से जगो, उसकी आवाज है खड़े हो जाओ और जब कर अपने देश अपने लोक मंडल का काम शुरू कर दो। ये भजन, भजन माने भगनो, भगो है उसे, भगो निकलो, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मकान नहीं, तुम्हारी जमीन नहीं, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा दफ्तर नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, चलो घर भागो। ये तो काल भगवान का देश और उसी का सामान है, उसने सामान तुमको फंसाने के लिए दे दिया। सबसे बड़ा बंधन देख, पहला बंधन देखा, दूसरा तिरिया जान और चौथा पुत्र पंचवा नाती मां। बस इसी पांच बंधनों में तुम्हें बांध दिया गया, तुम हमारे हमारे, ये बतरी हमारी, ये बती हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। अरे तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, जब तुम नंगे अकेले आए थे तुम्हारा किस हो गया, तुमने जो पिछले जन्मों के कर्जा लिया खा लिया, खिलाया नहीं और ले लिया दिया नहीं। वो इतना चतुर है काल अपना कर्जा लेने के लिए, तुमको एक पत्नी दी, एक पति दिया, बेटा बेटी दी दिए, कर धीरे से कर्जा चुकाओ, ये चुका लो, ये कर्जा लेने आए, तुमको देने कुछ नहीं आए, अपना कर्जा ले, कर्जा पूरा हो जाए तो जल्दी चला जाएगा। जिसका कर्जा पूरा हो, पति का पूरा, पति जल्दी चला जाए, पत्नी का पूरा, पत्नी जल्दी चली जाए, बेटा का पूरा, बेटा चला जाए। अब वो कर्जा उसका भी पड़ गया, वो तो जा रहा, तुम यहाँ रो रहे, तुमको ये भी नहीं मालूम कि हमारा रोना कि तुम्हें हंसना चाहिए, चलो उसके कर्जे से भर सकते। लेकिन ये मोह में कुछ नहीं समझते, मोह सकल व्याधन कर मूला, जिनसे उपजत है संसूला। मोह संपूर्ण व्याधियों की, परेशानियों की जड़ है, और कहा कि मुंह जाएगा कैसे, कहा बिन सत्संग में हो मुंह भंगा, बिना सत्संग के मुंह भंग नहीं होगा। ये दोनों चीजें आपको मिल गई, लेकिन अभी तो किसी का मुंह नहीं गया, किसी ने मुंह को अभी तक समझ नहीं पाया और ये भी नहीं समझा कि मुंह खत्म कैसे होगा। ये मुंह सबकी ममता टाक बटोरी, कल सबकी ममता को बटोर के जगह रख दिया और तुमको दे दिया और भरमा दिया। देखो ये पति तुम्हारा, ये पत्नी तुम्हारी, ये बेटा बेटी तुम्हारे, ये सब जमीन दुकान सब तुम्हारा मकान सब, बस इसी में आप फंस गए। अब ये भूल गए कि हम तो नंगे आए थे, अकेले आए थे, हमारा कैसे हो गया, जब हम लाए नहीं तो हमारा कैसे हो जाएगा, और हमारा नहीं तो हमारे साथ जाएगा नहीं। अगर इतनी बात आप समझ लेते तो ये होशियारी ये कि इससे काम भी बना लेते और अपना चल पड़ते, जल्दी से काम बनाओ। जब संत महापुरुषों ने इशारा करके बता दिया, ये सब किराए भाड़े पर मिला, शरीर भी किराए पर मिला, कुछ दिन के बाद समय पूरा हो जाएगा, छीन लेगा,
अगर तुम्हारा शरीर हो तो तुम्हारे अनुसार जाना चाहिए, तुम्हारा होता तुम्हारे अनुसार जाए, ये छीन क्यों लेता? अरे छीना जब पीसी नहीं, तुम्हारा है नहीं और तुम इसको क्यों पकड़े बैठो और छीनो? हमने जिस काम के लिए दिया था तुमने वो काम नहीं किया और हमने अपना इस शरीर से कर्जा चुका लिया। कितना होशियार देखी उसने, कहा हमने शरीर इसलिए दिया कि तुमने शरीर से बहुत कर्जा लिया था और बहुत लोगों को सताया और तुम भी यही बीमारी, तुम्हारी बीमारी क्यों आई कि तुमने लोगों को सताया। तुमने जितने जीव मारे या तुम्हारे लिए मारे गए क्योंकि तुम मांस खाते हो, अगर लोग खाना बंद कर दे कोई जीव नहीं मारा जाए तो जितनों का खाया उसको बदला लेंगे, वही ये बदला ले रहे हैं। तरह तरह की तुमने टांग करी, तुम्हारी टांग टूट गई, तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम्हारा ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन क्या है, ये सब तुम्हारे कर्म कर्जों का लेन देन है। देखो कैसे भुगतान करा शरीर को लोगों ने कष्ट, आपने कष्ट दिया जिन जिन शरीरों को और शरीर में वही कष्ट आ गई। जिनका लिया वो डॉक्टर बन गया लेने वाला, वो तुम्हारा शरीर भी काट रहा, उधर सजा भी शरीर की और उधर पैसे की अदायगी। कितना विचित्र विधान है ये, और आज तक अभी किसी विद्वान ज्ञानी को भी समझ में नहीं है सब क्या है। महापुरुष वही आपको समझाते कि धीरे से इस काम में लग जाओ तो बीमारी नहीं खत्म, ये कर्जे वर्जे सब खत्म करा देगा। नामधन, ये नामधन ऐसी दौलत है इससे सबके कर्जे खत्म हो जाएंगे और आप पर कोई सता नहीं सकता कि सता के मार के काट के मतलब ऐसे दंडित करके अपमानित करके आपसे कर्जा ले। ये नाम धन सब चुका देगा अगर नाम की कमाई करना शुरू कर दो। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको सुबह जगाया जाता। तुम तो जाग नहीं सकते, तुम तो सो ही रहे हो और सब तरफ से सो रहे हो। ये भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में जीव एकदम सो गया है। अब इसको जगाने के लिए आपको आवाज लगाई जाती, और आवाज कौन दी जा रही? जिसके देश में सो रहे हो, काल माया निरंजन भगवान, और उनकी आवाज है घंटा संख। आपको सुबह बजा के तभी तो जगाया जाता, लेकिन घंटा संख के मतलब को कोई नहीं समझ रहा। बजाते रख दिया, बजाया रख दिया, समझा नहीं कि किसके लिए बजाया, किस काम के लिए बजाया और किसको जगाया और किसको चिताया, कुछ समझ में नहीं आया। तो आपसे कहा समझो समझाओ, नहीं तुम करनी में लग जाओ, समझने में देर लगेगी, जीवन खत्म हो जाए। अब समझाने का काम मन करना इनको कराओ, कराने लोगों इनको, तब आपको सुमरन ध्यान भजन में लगा दिया कि सुबह एक घंटा बैठो, जब एक घंटे मजदूरी करोगे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तो नगद सौदा उधार नहीं, एक मिनट करो एक मिनट की मजदूरी ले लो, दस मिनट करो दस मिनट की मजदूरी ले लो, एक घंटा करो एक घंटे की मजदूरी ले लो। लेकिन ये कहा वो मजदूरी सीधे रुपए पैसे के रूप में नहीं मिलेगी, क्योंकि नाम धन मैंने दिया, पूंजी हमारी है, तुमको करने और कमाने का अधिकार। लेकिन कमाओगे जो करोगे, दस घंटा पंद्रह, एक घंटा पंद्रह मिनट, बीस मिनट, वो सब मेरे खाते में आएगा, तुम्हारा खाता नील रखा जाएगा। क्यों? पिछले ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, थोड़ी बहुत शक्ति मिल गई तो यही खर्च कर डाली, खुश हो गए आशीर्वाद दे दिया, नाराज हो गए श्राप दे दिया, श्राप आशीर्वाद में उनका सब कुछ खत्म हो गया, अंत समय बिल्कुल खाली चलेंगे बेचारे। तो संतों ने शोध किया, जब ऋषि मुनि पाक साफ मन बुद्धि चित्त वाले, खान पान अच्छा करने, कर्म अच्छे करने वाले, जब उन्होंने उनको जो तपस्या से शक्ति मिली उसको रोक ही नहीं पाया, तो ये कलयुग का कमजोर जीव, ये तो आत्मिक शक्ति है, ये कैसे रोकेगा? तो कहा इसको रोकने के लिए इसके खाते में कुछ मत रखो, जब खाता खाली तो क्या खर्च करो, लेकिन जो कमाओगे का वो मेरे खाते में आएगा, यही तुम्हारी नाम की कमाई का खाता उधर धर्मराज के दरबार में जब तुम्हारी जीवात्मा खड़ी की जाएगी और पूछा जाएगा तूने कितना अपराध कितना पाप किया, किनको मारा किनको सताया, कितना व्यभिचार कुपचार झूठ छल कपट बेईमानी की, उस समय गुरु
ये तुम्हारा खाता पेश कर दी। नहीं नहीं, इसने मेरे आदेश पर नाम की कमाई की। ये खजाना है, उस खजाने से सारे अपराध, सारे दोष, सारी सजाएं तुम्हारी सब माफ हो जाएंगी। कितनी बड़ी काम हो रहा, अब तुम्हारी कमाई रख कौन रहा, संभाल कौन? क्या ऐसा कोई मिलेगा कि तुम्हारी कमाई को संभाल के रखे? तुम इतनी बात समझ कहां पाते हो? जब आत्मिक धन जो आपने कमाया गुरु के आदेश पर, तो वो सब कमाई का मैं अपने पास रखूंगा और ये खर्च कर डालेगा। इसको तो मतलब वो सोच है नहीं, जब खुश हो जाएगा तो आशीर्वाद देगा, नाराज होगा श्राप, तो ऋषि मुनियों की तरह ये सारी नाम की कमाई यही खत्म कर देगा और चलने के वक्त बिल्कुल खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा, हाँ तुम कमा सकते हो, सुमरन ध्यान भजन कर सकते हो, जो 10-15-20 मिनट किया का वो कमाई है, वो मेरे आदेश पर किया है, तो मतलब वो मेरे पास रहेंगे। और अंत समय में जहां तुम्हारी संसार की कोई कमाई नहीं जाएगी, और धर्मराज दरबार जब लेखा वहां मांगेगा, और मतलब वहां तरह तरह के, तब फट से गुरु वही तुम्हारा यानी मतलब कमाई का लेखा जोखा पेश करते, वही खाता, ये खाता मेरे आदेश पर इसने नाम की कमाई की और उसका ये खाता है, और इस उस नाम की पूंजी से, वो ऐसी पूंजी है तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप के खाते को फाड़ के फेंक देगा। कितना बड़ा काम तुम्हारे साथ हो रहा और तुम उस अंदरूनी दया को नहीं सुन, और जो दया कर रहा उनको ही लोग भूल गए, कहा वो मर गए, वो मतलब चले गए, वो कभी नहीं आएंगे, और ये वो, अरे तो ये खाता कौन ले जाएगा, ये कौन पेश गया, तुम्हारा ये काम कौन करेगा, जिनके पास तुम दौड़ के गए हो, क्या ये काम तुम्हारा कोई कर सकता, क्या उसके उनके पास तुम उनका अपना ही खाता नहीं, तो तुम्हारा खाता कौन रखे? वो खुद ही नहीं वो दरबार जा सकती उनकी जीवात्मा, तो तुम्हारी को कैसे पहुंचा के क्षमा करा दे? ये सब बातों को अगर समझते तो किसी लोभी लालची के चक्कर में आकर अपना सची सदगुरु की शरण और चरण को कभी नहीं छोड़ते, कभी आप नहीं छोड़ते, लेकिन आपने समझे कर था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब ऐसे वचन सुनने का मौका मिल जाए, समझ लो गुरु की दया हो रही, बिना उनकी दया के एक पत्ता नहीं हो सकता, तो तुम घर बार छोड़ के यहां कैसे आ गए? अरे तुमको वही दया घसीट के ले आई, तुम नहीं आए हो। उनकी दया जो नामदान दिया है, वो डोर है, नाम डोर सब डोर, वो तुम्हारे हाथ पे नहीं, किसी के हाथ पे नहीं, उन्होंने अपने हाथ पे रखे। जैसे पतंग उड़ाने वाला डोरी पतंग उड़ाने के पास किसी के पास नहीं होती, और पतंग आसमान में चली गई, देखने वाला फिर बहुत दूर चली गई, न डोरी न उड़ाने वाला, पता नहीं पतंग कहाँ गिरे, किसके हाथ लगेगी। अरे वो तो उड़ाने वाले को मालूम है, और कितनी ऊंचे पतंग आसमान में चली जाए, और उड़ाने वाला जब चाहेगा और डोरी को समेट कर अपने पैर के अंगूठे पर रख देगा पतंग। ऐसे पतंग की तरह जीव है, ये उड़ रहा कहीं चला जाए, किसी की तरफ इधर चला जाए उधर चला जाए, लेकिन डोरी जिनके हाथ में है जब चाहेंगे तब घसीट ले, और वही डोरी खींची जा रही, देखो जीव खींचे चले आ रहे। क्या किसी को कोई बुलाने गया? नहीं, डोर उनके पास, जहां तुम गए उनके पास डोर नहीं है, वो डोरी तो जिसने नाम दान दिया उसी के पास, उसी की। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे डोरी को समेटा जा रहा, खींचा जा रहा, कैसे उस जीव रूपी पतंग को कैसे यानी नीचे उतारा जा रहा, सब तुम्हारे साथ हो रहा, वो किया जा रहा, क्योंकि जो देने आया वो देकर ही जाएगा, जो उधार करने आया उधार करके ही जाएगा, जो जीवात्मा को जगाने आया जगाकर परमात्मा से मिला कर ही जाएगा। लोग कितना ही झूठा प्रचार करें, उससे क्या होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उसी की शुरुआत के लिए इस जमीन का चुनाव हुआ, क्योंकि और कहीं तो जमीन ऐसी रही नहीं। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि,
उनकी भी महिमा करो फिर वहां। उन्होंने जो मेहनत की हजारों वर्ष तपस्या की, बेचारे करके चले गए, जमीन तो बना गए लेकिन जमीन पर कोई काम बनाने वाला नहीं आया कि जीवों का काम कैसे बनाया जाए। अब ये सुनाने से तो बन नहीं जाएगा, कराने से बनेगा, करना और कराना। तब आपको धीरज से लगा दिया गया, इधर उधर से ध्यान हटाओ क्योंकि कोई तुम्हारा काम करने वाला नहीं, कोई तुमको लाभ देने वाला नहीं, तुमसे लाभ लेने वाले, तुमको लाभ कोई नहीं देगा, तुमसे सब लाभ ले रहे, रुपया दो, पैसा दो, सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो। तो ये लेने वाला है कि देने वाला, लेने वाला दाता कि देने वाला दाता। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए हो, जो तुम्ही से पैसा मांग रहे, तुम्ही से सेवा मांग रहे, तुम्ही से सामान और सम्मान मांग रहे, ये मांगने वाला भिखारी होता कि दाता? क्या भिखारियों से उम्मीद रखते कुछ मिल जाएगा? और तुम्ही से मांगा रासा भी आप तुमने विचार किया। ये है सदगुरु का सच्चा दरबार, जहां जीव से लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता। अगर वो देता है उसको कैसे उससे लाभ मिलेगा, उसी में लगा देता है। ये सब चीजें आपको समझदारी के साथ रखनी चाहिए। यहाँ कोई देने वाला नहीं, सब लेने वाले। संतों की वाणी पढ़ ली, याद की, रट की, वो भी लूट रहे, वो भी वही काम कर रहे। तो बताओ जब सब लुटे रहे तभी कहा रक्षक भक्षक हो जाएगी, धन धाम तुम्हारा क्या होगा? जब ये धर्म की रक्षा, राज्य की रक्षा, समाज की रक्षा और जीव की रक्षा के लिए जिनको खड़ा किया वही भक्षक बन गए तो कल्याण कहाँ होगा, लाभ कहाँ से मिलेगा आपको? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। उसी जानकारी को पुनः तुम्हारे अंदर पहुंचाने के लिए ये सत्संग जारी किया गया, धीरे धीरे धीरे। और पहले सुनो फिर करो, अभी सुनाया जा रहा फिर कहेगा उठो चलो सेवा करो, चलो सेवा करो और विश्राम को का भजन करो, सेवा करते रहो। अरे सेवा ही तो भजन है, मैं जानता हूं कि आप भजन सो जाओगे, आलस आ जाएगा, तो एक ही टाइम आपको सुबह सुबह, क्योंकि सुबह आपकी नींद पूरी हो जाती, कोई उठती नहीं सुस्ती नहीं, तब आप भजन कर सकोगे। और शाम को आपने सेवा किया तो शरीर थक गया, तो भजन बैठा तो आधे लोग सोते रहते थे, आधे ज्यादा सो जाते। अरे भाई इनका समय नींद का भी जा रहा और काम भी नहीं हो रहा, तो ऐसा काम यहाँ नहीं कोई किया जाता जिससे लाभ मिले। वो काम भले दो मिनट कहो, दस मिनट करो, लेकिन जाके तो उसका लाभ मिलेगा। और तुम बैठ गए और एक घंटे में 45 मिनट सोते ही रहे और 15 मीटर मन इधर तो चला गया, भजन हुआ नहीं, घंटा तो निकल गया एक, लेकिन तुम्हारा काम कुछ नहीं, क्योंकि आप काम आपने किया नहीं कुछ। यह है करनी का स्थान, यहाँ करनी कराने के लिए ही इशारा किया जा रहा है, बाकी यहाँ भाषण प्रचार नहीं होते, ये काम नहीं, इनसे काम होने वाला ही नहीं, कैसे किया जाए? लेकिन बगैर इशारा और बगैर बताए तो आप करोगे क्या? तो बता दिया भाई ये सेवा वो सेवा, जिस सेवा से तुम्हारा काम होना और जिस सेवा करने से तुम्हारे पर किसी का कर्म कर जाना रहती, वो सेवा आपको बताई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ने की सेवा, इस महान व्यक्ति ने आपकी गुरु पूर्णिमा में कितना बड़ा योगदान आपको दिया, पानी की पूरी फ्री सेवा किया, जितने भंडारे सब में पानी, नहाने के लिए और दिशा मैदान जाने के लिए जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था आपकी फ्री की है, उसका कर्म का जन्म नहीं दे पाए, इसलिए मैं आपको सेवा के लिए सारा करता हूं। जाओ ये बड़ा कर्म कर जा उतारो, और जब कर्म कर जा तुम्हारा उतरेगा उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, सुंदर से चलेगा, उसका भी काम हो जाए। कल मैंने एक ही बार कहा, अरे भाई डॉक्टर तुम भी तो मिट्टी डालो, ये सेवा से क्यों वंचित, और सेवा तुम कर रहे हो लेकिन तुम अपने सर का कर्जा नहीं उतार पा रहे हो, रखो टोके फट से चल पड़े। और उन्होंने टोकरी डाली तो सारे देश में सोचना पहुंच गई कि नैमिष धाम में
सतगुरु धाम का जहां निर्माण हो रहा है उसकी मिट्टी की सेवा करते हुए डॉक्टर लालचंद जी यादव ना पहुंच गया, काम का नाम और तुम्हारा सब को जा रहा, ऐसा नहीं कि आप निर्याट हो रहे हो तुम्हारा जा रहे, सब को जा रहा, सबकी सकल सूरत सब देख रहे हैं कि तो हिंदुस्तान में कहीं कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं करा रहा, क्योंकि सेवा कहीं नहीं चल रही, केवल सेवा लेने की चल रही, सेवा दो पैसा दो रुपया दो मान दो समाप्त, लेकिन सेवा करके अपना कर्म कर जाओ उतारो ये कोई नहीं, कहीं आप चले जाए पूरे हिंदुस्तान में सेवा कही, और इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आत्मा के लिए कोई भजन नहीं करा और आत्मा के जगाने के लिए कोई संदेश नहीं दिया। ये तीनों चीजें अनोखी हैं। यहाँ जो संदेश पुरानी किताबें पुराने युग के जो वो सुना रहे, तुम्हारा मन जगे और मन में सेवा भाव पैदा हो, किसका हमको पसंद चढ़ावा, इन विचारों को यह नहीं पता कि चढ़ावे का मतलब क्या होता है। जिसने जीवात्मा को चढ़ा दिया उसका चढ़ावा था, जब जीवात्मा चढ़ गई उसको लोगों ने तन मन धन सब अर्पण कर दिया, समर्पित भाव कंप्लीट सरेंडर आत्मसमर्पण इसी को कहते। अरे उनका चढ़ावा, ये सब भोगी चढ़ावा ले रहे, इनको पता ही नहीं तुम कहां चढ़ाया, इनको चढ़ाया कि गिराया, और ऐसे गड्ढे भी गिरा दिया कि द्वारा उठना मुश्किल है, उठाना उठना मुश्किल भी है। ये तो जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए अब आप लोग जाओ थोड़ी सी गन्ने की सेवा करो और वहां जाके गन्ना चूसे जिससे पेट साफ, पेट की जलन, कोई किसी को गैस बनती है, कोई ब्लड प्रेशर हाई है, ये तमाम चीज की दवा है वो, और अपना वहां से पत्ती जो हरी पत्ती सब ले आओ, यहाँ अनाज का जो स्टोर बनेगा उसमें बहुत बड़ा छप्पर रहती है, जो बच जाएगा छोटी छोटी कुटिया कुटिया बन जाएंगी, जो प्रेमी आते जाते उसमें ठहरेंगे। तो आप तो सब सेवा कर रहे हो, उधर भी सेवा इधर भी सेवा, उधर की सेवा और इधर की सेवा दोनों, तो मतलब यानी तो वहां चले जाओ और कुछ लोग जो बचे कुछ यहाँ सेवा में लग जाओ, बैठो मत, कुछ न कुछ शैतान मन के लिए करते ही हो आप। आप अगर इसको खाली बैठा दो, खाली मन शैतान का घर, ये फौरन बुराइयों में शंकाओं में संदेहों में मतलब यानी चला जाएगा, इसकी पुरानी आदत है, इसलिए मनी राम को फुर्सत मत दो, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे आप, फुर्सत मत दो, जरा सही दुर्ग फौरन मारने के बाद कोई प्रार्थना दोहरा नहीं, नहीं तुरंत सेवा में चले जाओ। ये सब मन की घेराघारी आपके लिए विधान रखा गया है, अभी होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मन की घेराघारी हो जाए और मन कर घिर कर एक जगह आ जाए तो काम करने में देर नहीं लगेगी, ये शैतान करने नहीं देता आपको, तब आपको बाहरी सेवा में लगा दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आप सब लोग खड़े हो जाओ, प्रेमियों कलयुग के नाम का उच्चारण कोई नहीं कर रहा, इसलिए वायुमंडल में सब प्रदूषण ही प्रदूषण, कोई सतयुग का नाम, कोई त्रेता का नाम, कोई द्वापर का नाम, कलयुग के नाम की किसी को जानकारी ही नहीं है, और सब अपने अपने युग में अपने अपने नाम से लोगों का काम हुआ। अगर एक ही काम परमात्मा का नाम रहा होता तो सतयुग में जब हरि नाम आया वही काम पूरा करता, फिर त्रेता में राम नाम क्यों आया, राम नाम से काम हो गया होता तो द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया। हर युग के नाम का विधान है कि जो महापुरुष काम करने आया वो नाम लेके आया, अब जो शक्ति जैसी जिस लोग मंडल मुकाम से आई
उसने वही जो उसको अधिकार हुकुम हुआ वही काम उसने यहां किया, लेकिन ये काम समृत मलिक यहां कभी नहीं आया, ये पहली बार भूमंडल पर आया है और एक अनोखा काम करने के लिए यहाँ जितनी काल शक्तियां आई कि हरि नाम से, राम नाम से, कृष्ण नाम से उन्होंने देश समाज का सुधार किया, लेकिन जीवात्मा का उद्धार न उन्होंने अपना किया न किसी का किया, ये अलौकिक कार्य है। तो आपको तो समझना चाहिए, पहले सब कर जाए, इनका उनका सब उतर जाए तो काम करने में देर नहीं लगे। जय गुरुदेव। ये नाम जितना उच्चारण होगा उतने क्षेत्र वायुमंडल का प्रदूषण खत्म हो जाएगा, इसमें इतनी ताकत। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई, ऐसे जिनों मन में विचार करो वो कौन सा समय का नाम होगा जिससे भवसागर, यानी भवसागर माने कष्ट मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़ा ये गंदा खान पान गंदे भाव विचारों का यानी समुद्र ही सूख जाएगा, वो नाम कौन सा। इसीलिए कहा भाव भाव कुलक हूं नाम जपत मंगल दिस, तुम भाव भाव आलस में कैसे भी करो नाम अपना काम करेगा, जैसे जहर को चाहे पैर छुके खाओ और चाहे गाली देके, लेकिन वो अपना काम मारने का करेगा, वो अपना काम मंद नहीं करेगा, इसलिए नाम ही अपना काम मंद नहीं करेगा। कोई हंसी में मजाक में तुमको देख के कहे तभी तुम्हारा काम हो रहा, तुमको देख के कोई जय गुरुदेव बोला वो भी लाभ तुम्ही को मिलेगा, न तुम सामने आते न समय कलयुग के प्रभु के नाम को मुंह से बोलता। तो जितना भी आपको कोई न कोई निशान दिया गया, कोई सदरी पहन लो, कोई बोरा पहन लो, कोई बिल्ला लगा लो, कोई टोपी लगा लो, ताकि लोग ये कहें ये जय गुरुदेव वाला है, ये काल वाला नहीं दयाल वाला है, ये राम और कृष्ण काल शक्ति वाला नहीं ये सदगुरु दयाल शक्ति का जीव है। तुम अपनी पहचाने भूल जाते, तुमको पहचान देने में शर्म लगती, तो फिर तुम्हारा काम कैसे होगा। जितने लोग हंसेंगे हंसा वो फंसा, कुछ न कुछ तुम्हारा बांट देगा और निंदा करेगा, चुगली करेगा, बुराई करेगा, तुम्हारे पाप कर उतरेंगे, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ हम सब कमजोर गंदे जीवों के लिए बाबा जी ने ऐसा नाम रख दिया जय गुरुदेव, सब हंस रहे हंस रहे, राम निंदा आलोचना बुराई, अरे प्रभु नाम की जब बुराई निंदा करेंगे तो फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हेरा कश्यप ने हरि नाम की बुराई की मारा गया, रावण विद्वान था राम नाम की बुराई की मारा गया, और कंस बहुत बड़ा राजा था कृष्ण नाम की बुराई की मारा गया, और जय गुरुदेव नाम की बुराई करने वाले क्या बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे, क्या विधान खत्म हो जाएगा, ये सब बोल रहे इसी भूल भलैया में, लेकिन तुम्हारा काम हो रहा। कहा सोचा सतगुरुदेव ने मेरा मेरा जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता, और निंदा से पाप ज्यादा करते ही, तो कहा चलो इसको जय गुरुदेव नाम से चमके। तो हम लोगों ने गालियां दी, निंदा किया, आपका काम शुरू हो गया। इसके बाद कहा सन 1978 में कहा बच्चा गुलाबी पगड़ी बात, ये 78 का आदेश है, आज लोग कर रहे 78 का आदेश, 78 को जीवों के लिए था जो 78 में जीव थे उनके लिए, कहा पगड़ी बांध लो, ये गुलाबी पगड़ी सती वाले की सूचना दे रही है। लेकिन कहा बच्चा अभी तो कलयुग है, कलयुग में इस गुलाबी पगड़ी का अपमान हो जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो, समय आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा करूंगा। इसने सोचा कि इतिहास बनेगा, पूजा होगी, लाओ पहले ही शुरू करते हैं। तो पगड़ी तो दूर चली गई, उसने कुर्ता पजामा सिलवा दी कि पगड़ी तेरा पूरा ही लोनारी को रंग दो। अरे तेरे पास अगर प्रेम का दया का रंग होता तो रंग पाएगा, कपड़े पहनाने से थोड़ी रंग जाएगा कोई। देखिए कैसी नकल, और नकल में अकल की जरूरत होती है, अगर अकल नहीं और नकल करोगे तो भारत की जनता सकल बिगाड़ देगी तुम्हारी, जब सत्य का राज खुलेगा। इस को सोचना चाहिए, फिर कहा अच्छा ऐसा करो, इनसे प्रचार करो, दूरदर्शी बना दी,
अरे बड़ी आलोचना, अरे बाबा जी राजनीति में आ गए और ये महात्मा थे, इनको क्या जरूरत। तो हमसे लोगों ने पूछा कि बाबा जी महात्मा राजनीति में। हमने कहा किस युग युग में का इतिहास ये नहीं कह रहा कि महात्मा ही राजनीति चलाते, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र महात्मा ही थे और राम का राज उन्होंने चलाया। गद्दी पर वो बैठे, आदेश राम को देते थे और कृष्ण महात्मा थे, योगी थे, उन्होंने गद्दी चलाई और कंस चलाया तो सबको भ्रष्टाचार और अधर्म में डुबो दिया और सजा देने लगा। जब वो योगी कृष्ण गद्दी पर बैठा तो सब सफाया हो गया। हमने कौन से इतिहास में महात्मा नहीं आया? तो अगर महात्मा नहीं राजनीति में आएंगे तो क्या चोर डकैत और कतली उठाएगी लोग लाओगी, किसको लाना चाहते हो? और 70 साल की आजादी में कोई महात्मा नहीं आया, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम्हारा तुम्हारी करनी तो सामने है सब, क्या किया? तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना और घिराव, कितनी राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग और कितने टैक्स, कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी, कितनी मारकाट, कितनी हिंसा इन जीवों की कराई जा रही, और जीवों की हिंसा और उधर मुर्दा मांस जीवों को खिलाना, ये क्या है? अरे इतना जघन्य अपराध रावण ने भी नहीं किया, ये सब सजा पानी का था। प्रेमी और सत्यु वाले पर ये कोई गंदगी नहीं रहेगी। कहा था मैं सारी गंदगी मेरे पास झाड़ू है, दूरदर्शी नाम की झाड़ू से ये देश की सारी गंदगी भोर पर एक किनारे लगा दूंगा। आ मेरे पास वो भूमिका, वो व्यवस्था, वो योजना है, ये सारी गंदगी यानी बुहार कर एक किनारे लगा दूंगा और मुझको ये गंदगी हटाने में 18 मिनट भी नहीं लगेगी। क्या फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि कितना समय तुम्हारी तेरा शक्तिमान होया? राम को गंदगी यानी अधर्म और पाप और पापाचारियों की गंदगी हटाने, उनको मिटाने में 18 महीना लग गया और कृष्ण को यही गंदगी हटाने में 18 दिन लग गए, लेकिन कहा बच्चा कलयुग की गंदगी हटाने में हमको 18 मिनट भी नहीं लगे। क्या फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? समृद्ध और शक्तिमान मालिक आया है जो कलयुग सबसे ज्यादा खराब, एक तरह की नहीं सब गंदगी ही गंदगी। अब कह रहा हमको हटाने में 18 मिनट नहीं लगे, मेरे पास वो योजना है, वो भूमिका है, लेकिन अभी मैं लोगों को बता रहा हूं कि शायद कोई कर दे, ये न कहे कि बाबा जी ने हमको बताया नहीं, ये गंदगी हम हटा देते तो सबको बता दिया जाए। सबको बताया जा रहा कि भाई हटा सकते हो हटा दो, अच्छा से अच्छा काम करना चाहो कर लो और बुरा से बुरा जो भी तुम्हारे दिल में है रावण की तरह सब पूरा कर लो, लेकिन अंत में परिणाम क्या होगा? परिणाम भी देख लीजिए तुम्हारा क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो ये राम नहीं इंसान का, ये राम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये भगवान का काम। समाज देश की स्थापना, धर्म की स्थापना और प्रभु का काम है जीवात्मा को जगाना। अंतर है, पहले आपको जय गुरुदेव नाम परमात्मा का सिखाया गया, आपसे बुलाया गया कि भी परमात्मा का काम, उसके लिए दूरदर्शी बनाई गई, उसके और 90% कास्तकार हिंदुस्तान में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भूम ज्योतक संगठन बनाया गया, लेकिन किसी ने समझा भी नहीं।
समझ जाते सब, तो द्रोणाचार्य जी को चक्रव्यूह बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन कोई नहीं, उन्होंने चक्रव्यूह बना दिया। वो काल की व्यवस्था थी, दयाल की तो नहीं थी, तो सबको मरवा कटवा दिया। कहा ये चक्रव्यूह है, और उस गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को कृष्ण भी नहीं समझ पाए। कह रहे गुरुदेव ये चक्रव्यूह क्या है? कहा कृष्ण तुम ये नहीं जानते, ये गुरु की भूमिका है, तुम इसे नहीं जानते हो। कहते नहीं नहीं बता दीजिए। कहा अगर जानना चाहते हो ये चक्रव्यूह, इसमें सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कहा नहीं, हमने तो संकल्प लिया है कि महाभारत अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा इस कर्म भूमि पर आए हो कर्म करने के लिए, और कर्म से चोरी करोगे, कर्म के लिए कायर बन जाओगे, क्या तुम्हारा इतिहास कायरों में कि सूरवीरों में होगा? कहा ये गुरु की व्यवस्था है, तुमसे जबरदस्ती और चक्षुदर्शन उठवा लिया, जबरदस्ती उठवा लिया। बताओ जब गुरु की व्यवस्था ने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया और उनको अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी और चक्षुदर्शन उठा लिया गया। प्रेमियों ये सद्गुरु की व्यवस्था है, किससे क्या नहीं करा देगी? ये सदगुरु की व्यवस्था, गुरु की नहीं, सदगुरु की। वैसे गुरु और सदगुरु के भेद समझो, अंतर समझो इसमें। गुरु किस काम के लिए आया और सदगुरु किस काम? अगर इतने गुरु आए, अगर उनसे काम हो गया होता, सब सदगुरु को आने की क्या जरूरत थी? मोटी बात आपको यही से सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में सारथी कौन लाएंगे? जल जल में प्रेम कौन लाएंगे? ये तो ऐलान हो रहा है। अगर लोग कहे नहीं सतयुग यानी हरि नाम ले आएगा, राम नाम ले आएगा, कृष्ण नाम ले आएगा, तो लाके दिखा दो। इन नामों में अगर शक्ति है तो लाके दिखा दो। और ये काम तो जय गुरुदेव नाम करे। और वक्त का नाम, वक्त का काम वक्त के नाम से होता है और वक्त के महापुरुष से होता। जो चला गया शरीर से तुम्हारा काम नहीं करेगा, उससे काम नहीं होगा आपका। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इतिहास जो लिखा हुआ किस लिए? तुम इतिहास नहीं जानते ना, पिछला भूतकाल का ना वर्तमान का। ही भूतकाल वर्तमान काल को तुम्हारी सुनने नहीं आए। ये सब काम जय गुरुदेव के नाम के द्वारा, और नहीं तो और कोई पुजारी पुजारी कोई विद्वान विद्वान कोई कथावाचक अगर करना चाहे करके दिखा दे। ऐलान भी तो हो रहा है ये काम जय गुरुदेव नाम के द्वारा। सुख शांति जय गुरुदेव, और सबको न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी, यही नाम देगा। अगर और किसी के नाम से काम होना होता और कोई करने वाला निकला होता तो 70 साल की आजादी का समय बहुत होता, और कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, बर्बादी की सेवा, कुछ नहीं। अब इनके पास क्या है? 70 साल समय निकल गया तो इतना बिगड़ गया है किसी की बस की बात नहीं। और ये हथियार डालने ही वाले बाबा जी ने कहा भी था, जब राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे की बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती का तुरंत कार बंद कराना मेरे बस की बात नहीं, और ये जीवों की हिंसा और हत्या ये मेरे बस की बात नहीं, और राम की धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि पर ये मुर्दा मांस यानी खिलाना और बुद्धि नशे नशा शराब को पिलाना ये काम कह दे मेरे बस का नहीं, तो बचा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। जब ये हथियार डाल देंगे, हारी मान लेंगे, मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र किसे कहते? बाबा जी के ब्रह्मास्त्र को भूल गया। 18 वर्ष तुमसे दूरदर्शी का प्रचार कराया और आप नहीं समझ पाए। ये दूरदर्शी भूमि जो तक दो ब्रह्मास्त्र, और अभी ये उठे भी नहीं और चले भी नहीं, और प्रणाम पहले बताया
जैसे उदाहरण के लिए राइफल के नाल से जब गोली निकल जाती परिणाम बाद में आता। क्या निकलने पहले गोली का परिणाम कोई बता सकता? जब गोली निकल जाती परिणाम आता तब बाद में कि मर गया कि घायल हो गया कि बच गया। लेकिन अभी बाबा जी ने बर्बाद उठाया नहीं और चलाया नहीं और परिणाम पहले बताते कि मेरा दूर दर्शी ब्रह्मा चलेगा क्या करेगा क्या करेगा। कहा दूरदर्शी आएगी धरा पर सती उड़ाएगी। दूरदर्शी का ऐलान ये स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत और सोमन बीघा देंगे खेत तो गरीबी कहां रहेगी क्योंकि प्रकृति को नियंत्रण में रखा जाएगा। जब चाहोगे तब पानी बरसा देगी। इंचाई सिंचाई भिचाई की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था का जो सूत्रपात कहने आया है वो समय का कितना महान है लेकिन कुछ नहीं सुना। कहा कि दूरदर्शी का संकेत सोमन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश ये है ब्रह्मात का परिणाम। अभी लोगों को समझ के आ रहा कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं। बागे चले जा रहे दौड़े चले जा रहे ये नहीं आगे नाला है कि नदी है कि खंडक है कुछ नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। कुछ लोग गन्ना काटने चले जाओ पहले यहाँ गन्ना चूस रहा है नाश्ता है। पेट की सफाई पेट की जलन पेट की कब्जियत और बवासीर जैसी तमाम बीमारियों में लाभ है उसका हो जाइए। एक दो दो चूस उनका ऐलान है। ऐसा दाम दाता मिलेगा नहीं आप कलयुग में कहा रखा एक गन्ना 25 रुपए अभी तक और क्या देगा खा लो। कहते नहीं जितना चुसना चाहो चूसो लाना चाहो लो और जितना रस निकालना चाहो निकालो 2 गुंडल 4 गुंडल और सब इससे बात धर्मांत परमार्थ से बात कोई नहीं। कितने जीव खाएंगे क्या किसी सत्संग में ऐसा विचार आया? सत्संग ये है कि वो है जो इधर दुकान लगाए उधर दुकान लगाए गुरु को बदनाम गुरु को कलंकित गुरु की व्यवस्था को यानी गंदा और झूठा बता रहा। सत्संग किसे कहते जो सत्य का काम करे सत्य रास्ते पर चले जीवों को चलाए वो सत्संग का नहीं था। बच्चा भी सत्संगी मनाए जा रहे और तुमने कहा सत्संगी हमारे जिले में इतने हमारे ब्लॉक में इतने तहसील में इतने कहा अच्छा इतने सत्संगी हो गए और जरा सी एक कर उठ लिया सब खत्म कोई सत्संगी नहीं सब असंगी सब बातें तरह तरह की स्वार्थ लोभ लालच की कैसे सेवा मिले कैसे सम्मान मिले कैसे सम्मान मिले यानी मतलब इसी की चर्चा। अरे बदसंगी है सत्संगी का तो ये पहले आप सेवा कर लो और फिर बाद में आओ जल्दी से चले जाओ भाई वो उसमें काम अच्छा जो हरी पत्ती जितने सब ले आओ उधर तुम्हारा पेट का भी और इधर जो लोग आए उनकी लिए छाया बनो ये भी सेवा वहां से यहां तक सिर्फ सेवा ही सेवा है। बस समझने की जरूरत है। अब आप जाइए कुछ लोग चले जाओ खेत में और बाकी लोग मिट्टी में भंडारे वाले अपनी सेवा में रहोगे तुमको तो राशन तैयार कर राशन ही भाषण दे रहा था राशन नहीं मिले सब सारी सेना बेकार। अगर राशन तो उसे बहुत बड़ी सेवा कर रहे तुम्हारी रोटी खा के लोग सेवा कर रहे हैं वो लाभ तुमको तुम्हारा भी परसेंटेज है उसमें ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। ये संदेश सब जा रहा पूरे देश को सत्य संदेश सुनाने की जरूरत है और ये सत्य संदेश ये धरती की सेवा कहीं नहीं हो सब जगह लूट स्वार्थ का ये परमात्मा संदेश है जो नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा। आपको इस पर विचार करना चाहिए तो सेवा से वंचित मत रहो। ये भी समय तुम्हारे आपसे चला जाए।
अध्याय जाग जाएगा, तुम्हारी सेवा सत्कर्म समाप्त कर देगा, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन सबको जागने आने के पहले तुम अपनी सेवा पूरी करो। जय गुरुदेव। अब आप जाइए और जो सेवा का इशारा हुआ साहब को मैं रोज मिलता हूँ, इतने भागे दौड़ी मत करो, मैं खुद ही चल के वहां मिलता हूँ और आपको प्रसाद देता हूँ। सब चीजें तुम्हारी तो पूरी हो ही नहीं, सबकी सुनता हूँ, परेशानियों के लिए कोई ना कोई विधान बता देता हूँ और प्रसाद देता हूँ, ये तो सब आपका काम हो ही रहा है। तो नहीं कि मैं किसी से मिलता नहीं, तो अंदर जाने के लिए कोई काम वहां भी बैठ के कुछ किया जाता है। सोचा बेचारा कि आगे की योजना, आगे एक महान कार्य के पुत्र राष्ट्रीय पूज पाठ दादा गुरु की पूर्ण स्मृति का वार्षिक भंडारा बहत्तरवां, उसमें आपको सामने शरीफ होना है। सारे देश के लोग वहां जुट रहे हैं, वहां बड़ी व्यवस्था है, जहां पूरा हिंदुस्तान आएगा, अन्य देशों के लोग भी आ रहे हैं। की बार बहुत से विदेशों से फोन आया, यह संदेश आप भी सुनना चाहते हैं तो आपने कहा भाई ठीक है सुन लीजिए। तो यहाँ से लोग भेज देते हैं, वो अपना हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर आप सुन रहे हैं। अंग्रेजी थोड़ी काम कराएगी, हिंदी काम कराएगी। तो हो रहा तो मतलब यानी तो सबको जरूरत है, सब आएंगे, जब सब आएंगे तो आपको सेवा का मिल पाएगी। इसलिए उनके आने की वजह तुम्हारा सेवा वाला काम खत्म कर लो, और नहीं करोगे तुम जाना तुम्हारा काम क्या नहीं, बाद में नहीं कहोगे हमको मौका नहीं मिला, और तुम गली से नहीं निकलोगे, और निकलोगे कब, नहीं निकलो कोई ना कोई आफत भेज दूंगा, यहाँ से कोई बीमारी भेज दूंगा, जरूर चले जाओगे। तो अच्छी तरह से क्यों नहीं आते, ये आते कहाँ थे सब, बीमारी भी नहीं, जाओ सबको बीमार करो, सब पर भूत चढ़ा दो, दौड़ के आएंगे, क्योंकि भूत और बीमारी का निवारण हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कितने रुपए पैसे ले लो बीमारी जाने वाली नहीं है, और कितने झाड़ फूक कराने वालों से मिल लो कोई भूत नहीं उतार सकता। ये सब जगाए नाम के द्वारा होगा काम तुम्हारा, तो सब ऐसे साधारण तो आते नहीं है। जब बीमारी तकलीफ मुसीबत सब जगह पैसा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, तब यहाँ आए, चलो चलो वहां से कुछ काम हो जाए, काम तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन तुमको कुछ करना पड़ेगा, ये सोचने वाला सुनाने वाले से काम नहीं, करने से काम। तो आपको सेवा में लगा दिया, अब जिनको विश्वास है वो अपना काम कर रहे हैं, और जिनको नहीं विश्वास वो निंदा चुगली पर है, अरे आप तो मिट्टी उठाई जा रही, और मिट्टी उठाना अपने खेतों में करेंगे, क्या खेत की मिट्टी इस मिट्टी में अंतर नहीं है, इतने दिन मिट्टी उठाई क्या मिला, और ये उठा लो तो क्या मिला, अरे मिट्टी मिट्टी से परिचय कर लो, समझ में सब आ जाएगा, ये आदेश है, वहां कोई आदेश नहीं है, ये परमार्थ है, वहां स्वार्थ के लिए मिट्टी उठाते हो, ये परमार्थ के लिए उठा रहे, तुम्हारा भी काम है, कर्म कर्जा उतर रहे, और जहां मिट्टी पड़ेगी वहां भव्य इमारत खड़ी होगी, और भविष्य में करोड़ों लोग आएंगे, भजन करेंगे, और उनको भी लाभ मिलेगा, वो लाभ का प्रसन्न तुम्हारे खाते में आएगा, न तो मिट्टी डालते न नींव बनते न इमारत बनती, क्या बगैर नींव की इमारत बन जाएगी, ये नींव है मिट्टी, बात ही नहीं समझते, मिट्टी 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 दिमाग पर पानी बच गई, जरूर डरिया रखो। कुछ लोग कैसे लिए जा रहे, नहीं भाई ऐसे कर्म का जा नहीं उतरेगा, इस पर रखो, इस पर दबाव पड़े, सारा इसी पर गट्ठर बना हुआ पापों का, धीरे धीरे किसके सर पे रख के डरिया, अहंकार के मन गरुण कुमार खेल खत्म करेगा तुम्हारा, और तुम ऐसे वैसे टेरा फेरी करोगे, लगे रहे काम कुछ नहीं, करते रहे मजदूरी कुछ नहीं, क्योंकि आदेश के अनुकूल नहीं काम करोगे तब प्रतिकूल करोगे कुछ नहीं। बात आखिरकार सर की डरिया थे क्यों कहा, टाली लगा नहीं डलवा दिया जाता, नहीं प्रेमियों का कैसे काम होगा, कैसे काम होगा, आपने जो आश्रम बनेगा उस जगह को देखा कितनी खाली थी, और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सब प्रेमियों ने भर दी, जैसी भी फेल हो गई इनके आगे,
वो एक बताता था तो चार ट्राली प्रेमी बिठा देता था। ऐसा नहीं कुछ सोच समझ के कुछ देख के किया जाता, तुम्हारा काम कैसे होगा किस तरह वही तरीका अपनाया था वहां बात समझते नहीं। अब आप चलिए बड़ी बड़ी सेवा में लग जाओ और भीड़ से वो गन्ना काट के आ जाओ दोपहर में आराम कर लेना आप साहब बेटी। रहमत बरसे भींगे संगत से बहुत लोग दिख रहे हैं भैया, बहुत लोग थे इसमें। चल क्या है? नहीं वही चल रहा है, ये तकरीबन 80-90 नहीं आपको वाला पे 80-90 से कम नहीं होगा। दिखाएं इधर इतना है, ठीक है इधर, और लोग दिख रहे हैं काफ़ी लोग दिखाते हैं। देखिए हम आते ही रहा आ ही रहा है अभी तक, अभी तक लोग जुड़ ही रहे हैं, देख रहे हैं अभी तक जुड़ ही रहे हैं। अरे यार पेड़ दिखा दो, हाथ दिखा दो, ये देखो बादल देखो ना, ये देखो इधर ये पास है ना कितना गजब लग रहा है। कहीं सतगुरु धाम का होता है ये गेट से हाथ होता है। रहमत बरसे भींगे संगत सारी, आदर दाव
जय गुरुदेव नाम प्रभु का कलयुग जा रहा है सत्य।